हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लव योर सेल्फ। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ झाल सूजी या फिर आप कह सकते हैं रवा उपमा की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू। तो पहले गैस को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को भिजा देंगे गर्म करने के लिए। तो कढ़ाई गर्म हो चुका है, अभी इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल और अभी इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तो तेल गर्म हो चुका है, अभी इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच सरसों। यहाँ पे मैंने सफ़ेद सरसों का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास काला सरसों है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ही हम डाल देंगे 1 तेज़पत्ता और इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। और चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है हमने, क्योंकि तेल में अगर सरसों डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा छिड़कता है। तो अभी साथ में हम डाल देंगे 1 सूखी लाल मिर्च, हमारे मिर्ची और सरसों अच्छी तरह से भुन चुका है। अभी इसमें हम डाल देंगे चॉप्ड किया हुआ प्याज। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा प्याज को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। तो प्याज के साथ ही हम डाल देंगे चॉप्ड किया हुआ गाजर, चॉप्ड किया हुआ हरी मिर्ची। यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्ची को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ में डाल देंगे 1 टुकड़ा अदरक, जिसे मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है और अभी इनको साथ में अच्छी तरह से भून लेंगे। गाजर और प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, अभी इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक। यहाँ पे नमक हम 1/2 चम्मच डाल रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा। अभी इसे भी अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। तो हल्दी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अभी इसमें हम डाल देंगे चॉप्ड किया हुआ काजू। आप चाहे तो काजू के साथ किशमिश भी डाल सकते हैं या फिर पीनट्स भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल हम किशमिश नहीं डालेंगे, सिर्फ काजू ही डालेंगे और इसे थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे मसालों के साथ। तो काजू थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, अभी इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी रवा या फिर सूजी और इसे अच्छी तरह से हम भूनेंगे मसालों के साथ। सूजी को आप जितना ज़्यादा भूनेंगे ये उतना ही ज़्यादा नॉनस्टिकी होगा, और जब इसमें आप पानी डालेंगे तो ये बिल्कुल नॉनस्टिकी रहेगा, बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो सूजी को हमने लगभग 5 मिनट तक कंटिन्यूसली हिलाते हुए भून लिया है, अभी इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच चीनी और अभी इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सूजी के साथ। तो चीनी डालने के बाद अभी इसे हम डाल देंगे पानी। तो जिस कटोरी से आपने सूजी लिया है उसी कटोरी से 1.5 कटोरी पानी डालिएगा, उसके आँच को मीडियम स्लो कर दीजिए और अभी इसे धीरे धीरे हम पकने देंगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट हुए हैं और देखिए सारा पानी सूख गया है, और अभी इसे थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे और लीजिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा रवा उपमा। तो अगर आप लोगों को ये वाला रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो अगर आप लोगों को और भी सूजी के नए नए रेसिपीज चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं।